गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार ने अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो मसला बहुत दिनों से लंबित है राम जन्मभूमि विवाद को लेकर के, उस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है कि जो लैंड लगभग 67 एकड़ विवादित नहीं है उसको वापस किया जाए। क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये इसको मोदी सरकार जो है राम मंदिर को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, इस पर मैं बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल सरकार ने जब ये बात समझ ली कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई और आम चुनाव से पहले फैसला आना राम जन्मभूमि मंदिर इशू पे संभव नहीं है, तो उसने काफ़ी इसमें वकीलों से और अपने जो उनके मंत्रिमंडल में मशहूर वकील हैं उनसे विचार विमर्श किया। दरअसल हुआ ये था कि 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद तत्कालीन नरसिंह राव सरकार अयोध्या एक्ट लेकर के आई थी और उसमें 67 एकड़ लैंड को अधिग्रहित किया था, लेकिन जब उस एक्ट को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सिविल सूट डिसाइड नहीं हो जाता तब तक पूरे मामले पे स्टे कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है यानी कि जिस 2.77 एकड़ जमीन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बांटा है उसके समेत बताते हैं कि इस जमीन का सिर्फ 0.313 एकड़ लैंड जो है डिस्प्यूटेड है, बाकी 67 एकड़ में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो केंद्र सरकार को ये लगता है कि यदि ये लैंड वापस कर दे सुप्रीम कोर्ट, जो स्टे दिया हुआ है उसको वैकेट कर दे, तो जिस भी पार्टी का है यानी कि राम जन्मभूमि अयोध्या न्यास परिषद का है यदि है तो उसको लौटा दिया जाए, जिस भी प्राइवेट पार्टी का है उस लैंड को लौटा दिया जाए, उसके बाद वो जो जिसके पास उस जमीन का मालिकाना हक होगा वो कुछ भी बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, उसमें कोर्ट का कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो केंद्र सरकार को ये लगता है कि यदि फैसला नहीं आ सकता तो कम से कम आप जो हमारा डिस्प्यूटेड लैंड ना हो उसको तो आप वापस कर दीजिए, और इस बात की पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार इसलिए करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस बात को लेकर के दबाव में है कि बार बार कार्रवाई टल रही है, कभी बेंच को लेकर के, कभी जज को हटने को लेकर के, जब कभी जज को इंक्लूड करने को लेकर के, कभी किसी के छुट्टी पर चले जाने की वजह से। तो ये इस बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये चल रहा है कि जो प्रयाग में कुंभ लगा हुआ है वहाँ पर 31 और 1 फरवरी को जो है वहाँ पर संतों का सम्मेलन है, वहाँ पे प्रस्ताव पारित होने वाला है। खुद योगी सरकार जो है वहाँ पे मंत्रिमंडल लेकर के प्रयाग में कुंभ में पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और इस बाबत प्रस्ताव पारित हो रहा है। तो ये चारों तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह से 2019 के आम चुनाव से पहले मंदिर का गर्भगृह या उसकी चहारदीवारी या कुछ भी उसका निर्माण शुरू हो जाए, क्योंकि मोदी सरकार को ये लग रहा है कि सिर्फ गरीब सवर्णों को आरक्षण देने से ही बात बनने वाला नहीं है, मतदाताओं को फिर एक बार अपने पाले में खींचने के लिए राम मंदिर पे कुछ न कुछ करना होगा। तो ये जो है उसका दूसरा, मोदी सरकार का दूसरा ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। अब देखते हैं कि और आगे इसमें क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम लेकर के आपको पास आएंगे। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।